देखो जी, लाहौर के स्पेशल दही बल्ले। ऑफिशियली पाकिस्तान में आ गया हूँ। तो ये देखो जी, पाकिस्तान का पेट्रोल पंप, कीमतें तो बहुत ज्यादा हैं। आप मेरे भाई हैं, संदीप भाई, वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। तो जी ये देखिए, मैं हूँ वाघा बॉर्डर में, ये अटारी बॉर्डर में, और मैं बाय फुट क्रॉस कर रहा हूँ। तो ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ। तो जी मैं देखो जी पाकिस्तान में आ गया। सॉरी, हाँ चलिए। तो ये देखिए जी, ये पाकिस्तान साइड में और वो रहा अपना हिंदुस्तान। तो इमिग्रेशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। कस्टम इमिग्रेशन हो गया पाकिस्तान में और अब मैं ऑफिशियली पाकिस्तान में आ गया हूँ। और ये भाई साहब टैक्सी वाले मुझे ले आ रहे हैं। वाओ। तो जी मैं आ गया हूँ और अब देखिए हम निकल लिए हैं टुवर्ड्स लाहौर। तो आज का दिन मैंने लाहौर में ही बिताना है, गुंजा वैली, बट दिस टाइम ओनली 3-4 डेज। ये अटारी वाघा से होते हुए लाहौर जाएंगे। मुझे तो अभी तक कुछ फर्क दिखा नहीं, जैसा वहां से आया था वैसे ही यहाँ है। ये भाई भी ऐसी बात कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, है ना। आप मेरे भाई हैं, संदीप भाई, वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे मेहमान भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, ठीक है। और मैं दिल की गहराइयों से आपको वेलकम कहता हूँ पाकिस्तान में। आपको किसी चीज की भी जरूरत हो, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये देखो ये अभी तक तो सो कॉल्ड में जहाँ जहाँ गया हूँ बहुत प्यारी हॉस्पिटैलिटी मिली है, और जैसे ही लोगों को पता लगता है मैं इंडिया से आया हूँ, एकदम से खुशी झलकती है उनके चेहरों से और बड़े खुश हो जाते हैं। तो आई होप मेरा आगे का ट्रिप भी ऐसे ही रहेगा। तो हम लाहौर में एंटर हुए और ये आई थिंक DHA का एरिया है। यहाँ से निकलते हुए ये है जी लाहौर मेन बुलेवार्ड, लिबर्टी चौक। तो पेट्रोल पंप देखो कैसा है, पाकिस्तान में भी सेम है और पेट्रोल की प्राइसेस लेकिन दुगने तिगने से भी ज्यादा है। बुरा पाकिस्तान का चिड़ियाघर, भीड़ है यहाँ तो। ये पंजाब असेंबली, पंजाब स्टेट लाहौर का। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो भाई साहब बोल रहे हैं कि दही बल्ले खाने चाहिए ऐसे में। तो हम जा रहे हैं लक्ष्मी चौक। हाँ जी, आपने सही सुना। तो ये जगह है लक्ष्मी चौक, इसको बोलते हैं लक्ष्मी चौक। ये देखिए, ये लाहौर की काइंड ऑफ फूड स्ट्रीट है और यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं। ये देखिए आप पूरे, अभी मैं यहाँ पर दही बल्ले ट्राई करूँगा। और ये जो बट कढ़ाई है काफ़ी फेमस है यहाँ की, ये बट कढ़ाई यहाँ की काफ़ी फेमस है। और ये देखिए, ये है लक्ष्मी चौक। आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर बिल्डिंग का, एलिफेंट्स बने हुए हैं। तो ये आज भी हिंदू आर्किटेक्चर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए ये जो घरों के छज्जे वगैरह आप देखेंगे ऊपर, तो वाह, इन्होंने अभी तक नाम चेंज नहीं किया। तो ये लाहौर के दही बल्ले खाने आए हैं, लाहौर के दही बल्ले खाने। हाँ जी भाई जी, दही बल्ले खिला दो यार। जी बहुत गर्मी है, मैंने कहा अब क्या करें, अभी शाम को कुछ खास दोस्त आ रहे हैं मिलने, तो अभी मैं दही बल्ले खाते हैं। तो देखो जी लाहौर के स्पेशल दही बल्ले, मिट्टी की उसमें दे रहे हैं, कुल्हड़ में या कटोरी में, और बढ़िया ठंडी दही, और देखते कैसा है। देखो जी
थोड़ी दही में दूध का स्वाद ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो जी साढ़े भाई की नाम थोड़ा सलीम, सलीम भाई बना रहे ने बल्ले दही बल्ले ते पापड़ी पाई। अच्छा अलग अलग सेपरेट कर रहे ने हुण ते पहले। यह देखो जी यह भल्ली है, ते मसाला है, चाट सौंठ, इधर की सौंठ थोड़ी सी हल्का सा रंग लाल कम होता है, अपने दिल्ली में ज़्यादा लाल होता है रंग, क्योंकि हम उसमें लाल मिर्च भी डालते हैं। तो ये देखिए ये हम ये नहीं डालते हम लोग दिल्ली में, जैसे अनार का दाना डालते हैं बट यहाँ पाकिस्तान में ही डलता है। और ये आलू होते हैं, ऐसे ये चने होते हैं, पापड़ी भी डलती है। कब से बना रहे हो आप ये? 60 साल पुरानी 60। अरे वाह, चलो जी शुक्रिया। आपका नाम क्या है? अवेश भाई। आप यहाँ काम करते हो? अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया जी। ये है जी दाता साहब दरबार, इतना पता नहीं की हो रहा है। अच्छा लंगर लगे है जी, इतना लंगर लगे थे, लोग लंगर खाने के लिए लगे हुए लाइन में। तो ये है मीनार पाकिस्तान, लाहौर में है और फिलहाल उन्होंने ये बंद कर रखा है। ये गुरुद्वारा है जी सिखों का, यहाँ पे अभी मैं अंदर जाऊँगा। ये बादशाही मॉस्क है, ये सब ये मीनार पाकिस्तान है इधर, तो अभी तीनों जगह जाऊँगा मैं और देखते हैं। ये जी गुरु अर्जन दास जी का गुरुद्वारा है और फिलहाल मेरे को लगता है बंद है, पर ये बिल्कुल बादशाही मॉस्क और मीनार पाकिस्तान के बगल में ही है और बहुत भीड़ है यहाँ। ये देखिए आप, ऑब्वियसली टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं यहाँ, काफ़ी भीड़ भड़कता है यहाँ पर। नाइस। ये जी लाहौर शाही किला है, यहाँ टिकट जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 500 रुपये है, ऑब्वियसली मैं भी फॉरेनर ही काउंट हुआ यहाँ। देखिए जी ये रेडियाँ लगी हुई हैं यहाँ। ये जी अलमा इकबाल का मकबरा यहाँ, हाँ वही जिन्होंने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, बाद में वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे, तो यही लाहौर में उनकी कब्र है। तो ये देखिए ये बादशाही मॉस्क के बगल में ही है। ये जी कब्र है उनकी अलमा इकबाल जी की, वही जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान लिखा था, तो ये उनकी कब्र है यहाँ, रेस्टिंग प्लेस। तो अभी अलमा इकबाल जी का मकबरा देखा, उसके बाद फिर अब हम जा रहे हैं बादशाही मॉस्क। तो देखो
हाउ इट इज। तो ये आए हम बादशाही मॉस्क, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह। तो देखिए आप, मैं आपको पूरा कंपाउंड दिखाऊंगा, वेरी नाइस। अच्छा सर, मना कर रहे हैं? हाँ, जी बादशाही मॉस्क के अंदर हम इस समय कुछ लोग प्रेयर कर रहे हैं और बिल्कुल दिल्ली की जामा मस्जिद जैसा है। तो जी बादशाही मॉस्क देख के अब हम निकल चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। बड़ा मज़ा आया देख के बादशाही मस्जिद, ऐसा लग रहा था दिल्ली की जामा मस्जिद ही देख रहा हूँ। और हमारे अली भाई हमें सही घुमा रहे हैं। तो बस थोड़ी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, पर ठीक है, हम तो दिल्ली के हैं, हमें तो पता है ना।